व्हाट्सअप गाइज, इट्स अनिरुद्ध पाटिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम लोग जाने वाले हैं करनाला फोर्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फनल फोर्ट। तो अभी मैं हूँ पनवेल स्टेशन के बाहर, पनवेल स्टेशन से बाहर हम लोग जा रहे हैं अभी एसटी स्टैंड तक। तो यहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे, एसटी बस पकड़ेंगे जो हमें ड्रॉप करेगी करनाला बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ से काफ़ी ऑप्शन है गाइज, टमटम का ऑप्शन है, प्राइवेट रिक्शा का ऑप्शन है और एसटी का ऑप्शन है। सो नाउ आई हैव रीच द एंट्रेंस, अभी यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे करनाला बर्ड सेंचुरी को। सो लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, पनवेल स्टेशन से एसटी बस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। हम दो लोग आए थे, मैं और मेरा दोस्त मिलन, हम लोग का बस 30 रुपया हुआ गाइज, और जो टमटम वाले और जो शेयर ऑटोज वाले थे वो पर हेड कोई दो बोल रहा है 200 रुपया, कोई बोल रहा है 300 रुपया, जस्ट काट रहे थे गाइज। सो इग्नोर टमटम और एसटी। एसटी बस डेपो से पेन या फिर अलीबाग आने वाली लोकल एसटी, अभी एग्जैक्टली मेरे को लोकल ये पता नहीं, सब लोग को पूछा, सब लोग बोल रहे लोकल एसटी से जाओ, तो वहाँ पे पूछ लेना, पेन या फिर अलीबाग आने वाली लोकल एसटी आपको ड्रॉप करेगी 30 रुपीज़ में। मैक्सिमम 25 मिनट्स लगेगा इस हम लोग को यहाँ पे आने के लिए। रेलवे स्टेशन से एसटी बस का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है गाइज, मैक्सिमम 10 मिनट्स में आप पहुँच जाओगे। सो ऑलवेज प्रीफर एसटी गाइज। सो दोस्तों, अभी मैं करनाला बर्ड सेंचुरी के अंदर एंट्री मार चुका हूँ और हम लोग से दोनों का 70 रुपीज़ लिया। बट मैंने काफ़ी बार सुना है जो हम लोग प्लास्टिक की बॉटल्स कैरी करते गाइज, पर बॉटल ये लोग 200 रुपये डिपॉजिट रखते हैं ताकि कोई ऊपर बॉटल फेंक के ना आए, और वो डिपॉजिट रिफंडेबल रहता है, वापस आप जब एग्जिट करोगे तो बॉटल्स दिखा के वो रिसिट दिखा के हमें 200 रुपये रिटर्न लेना रहता है। बट ये टाइम हम लोग से कुछ लिया नहीं, और मेरा गोप्रो था जो बैग के अंदर था, तो हम लोग कैमरे का भी चार्ज किया नहीं। कैमरे का पर हेड 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं और पर बॉटल एज अ रिफंडेबल डिपॉजिट 200 रुपये रखते हैं गाइज। सो मेक श्योर, कभी कभी लेते नहीं, कभी कभी लेते हैं, तो मेक श्योर गाइज यू कैरी सम एक्स्ट्रा कैश ताकि आपको कुछ डिफिकल्टीज ना हो। सो केज के बाद यहाँ पे दिस इज़ द वे टू करनाला फोर्ट गाइज, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे थॉट्स और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, सेव वाटर, प्लास्टिक यूज़ एंड ऑल के बारे में। सो ज़रूर एक बार सब पढ़ लेना गाइज, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द फोर्ट। सो दीज आर द बर्ड्स विच आर स्पॉटेड इन दिस सेंचुरी, जानना रहेगा तो वीडियो पॉज करके देख लेना। सो वन थिंग फॉर सोलो ट्रेकर्स गाइज, जो भी यहाँ पे सोलो ट्रेकिंग करने आ रहा है या फिर भले आप ग्रुप के साथ आते हो, तो अकेले ऐसे ग्रुप से बाहर फोटोज़ या फिर वीडियोस निकालने को रुको मत, क्योंकि नीचे के अंकल थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, वो अंकल बोले ऐसे अकेले जंगल में घूमना काफ़ी हद तक अनसेफ है, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड देखा गया, कल रात को एक लेपर्ड देखा था अंकल बोल रहे थे, और यहाँ पे काफ़ी बार ये जंगल में काफ़ी सारे लेपर्ड्स है एज़ पर दैट अंकल्स इन्फॉर्मेशन। सो बी केयरफुल गाइज, इफ़ यू आर कमिंग फॉर अ सोलो ट्रैक बी अलर्ट ऑल द टाइम and keep all the safety gears with you. And one more important thing guys, यहाँ पे आते समय ज़रूर एक ओडोमोस का ट्यूब लाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मच्छर है यहाँ पे। ये जो झाड़ के रूट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं चढ़ने के लिए,
क्योंकि मड काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, बट दीज रूट्स आर रियली हेल्पिंग, एक अच्छी खासी ग्रिप दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे एक बड़ा सा वाटरफॉल है और हमें जाना है वो साइड। अभी तो वाटरफॉल में ज़्यादा पानी है नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है पानी, थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है, बट जब हैवी रेनफॉल हो तो यू कैन सी बड़े बड़े झाड़ और बड़े बड़े ब्रांचेस टूट टूट के आए। इससे समझ में आता है कि कितना फ्लो रहेगा बारिश के टाइम पे यहाँ पे। और वी हैव टू क्रॉस दिस थिंग, मॉनसून में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता रहेगा। सो व्हेन आई वाज क्लाइंबिंग, एक ग्रुप था, चार लड़कियाँ दो लड़के, वो लोग इतना बड़ा बूम बॉक्स, ऐसा बूम बॉक्स लगा के, जोर जोर से सॉन्ग्स लगा के दे वर डिसेंडिंग। तो वन थिंग गाइज, ये एक बर्ड सेंचुरी है, ये बर्ड सेंचुरी प्रिजर्व किया है ताकि बर्ड्स यहाँ पे सुकून से रह सके, सुकून से उनकी लाइफ जी सके। और इसमें भी अगर हम लोग बड़े बड़े बूम बॉक्स, बड़े बड़े स्पीकर्स लगा लगा के ऊपर चढ़ेंगे या फिर डिसेंड करेंगे गाइज, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। यहाँ पे आप आ रहे हो टू एन्जॉय द नेचर, तो वो एन्जॉय करने के लिए आप यहाँ पे आओ। क्लाइंब इज़ वेरी टफ, सच में आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। खाने के लिए ज़रूर लाना 3 लीटर मिनिमम पानी कैरी करना। सो गाइस अभी जो मैं ट्रैक दिखाया, वो ट्रैक पे काफ़ी ज़्यादा बार लेपर्ड को स्पॉट किया है। और यहाँ से वैली है, यहाँ से पूरा व्यू है अच्छा खासा, और यहाँ से कोकन रेलवे के ट्रैक्स भी दिखते हैं। सो ये जो ट्रेल है यहाँ से आगे, बी केयरफुल। सो गाइस जब हम लोग आ रहे थे तो यहाँ पे कुछ अजीब किस्म का फ्लाइज है, उनको आगे ऐसा प्रोबोसिस जैसा कुछ तो है लंबा सा, और वो काफ़ी अभी तक काटा तो नहीं किसी को, काटा तभी तो आपके लिए आने तो नहीं लेते थे। तो मैंने जो मेरा ओडोमॉस था इन लोग को भी दिया थोड़ा। सो मेक श्योर गाइस यू कैरी सम समथिंग लाइक ओडोमॉस और बग स्प्रे बिफोर कमिंग हियर। यू वांट मोर? सो गाइज नाउ वी हैव ऑलमोस्ट रीच, अभी इधर से बस 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, बट आई एम टोटली एग्जॉस्टेड। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है और ह्यूमिडिटी इतना है अभी कि आई एम टोटली स्वेटिंग, सोच रहा हूँ ये चेंज कर लो अभी एंड रेस्टिंग हियर फॉर 10-20 मिनट्स एंड देन विल कंटिन्यू। टिल देन गाइज यू एन्जॉय सम गुड टाइम लैप्स एंड सम सिनेमैटिक वीडियोज। सो नाउ
यहाँ पे वो प्रवेश दरवाजा जिससे मेन एंट्रेंस है फोर्ट के लिए, एंड वो है वो बड़ा सा पीक, एंड दिस इज़ दी वॉच टावर ऊपर टॉप से गाइज, आजू बाजू वाले फोर्ट्स एंड आजू बाजू वाले एरिया पे नज़र रखी जाती थी. सो नाउ बिफोर वी गेट इन, वन थिंग आई विल लाइक टू टेल यू गाइज, यहाँ पे प्रवेश द्वार के एग्जैक्ट सामने जो रेलिंग्स है वो पूरे टूट गए, और यहाँ पे ये नायलॉन की रस्सी लगाई है गाइज, और नीचे डायरेक्ट स्टीप स्लोप है, डायरेक्ट ऐसा क्लिफ है, और 3-4 फ्लोर की हाइट है गाइज. सो यहाँ पे बिल्कुल मस्ती मत करना कि ये नायलॉन की रस्सियाँ लगाई है, यहाँ से बैलेंस गया, सो इट्स वेरी रिस्की. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द फोर्ट. सो गाइज नाउ वी आर एंटरिंग द मेन एंट्रेंस, और ये है फोर्ट का वुडन डोर. देख के तो लग रहा है कि अभी नया लगाया है ये डोर, एंड दीज आर द मेटल नेल्स, ये बड़े बड़े मेटल नेल्स है ताकि जब डोर बंद हो तो जब एनिमी आएगी तो उनको डिफ़िकल्ट पड़ेगा ओपन करने के लिए, ये तो उन लोग हाथी घोड़े या फिर कोई और एनिमल्स या फिर खुद सोल्जर्स डोर को बैक से पुश कर करके तोड़ते थे दरवाज़ा और अंदर घुसते थे. सो ये नेल्स है बड़े बड़े, जिसकी वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था कोई हाथी या फिर कोई इंसान को डोर पुश करना. सो नाउ वी आर एंटरिंग दिस. सो गाइज व्हेन यू रीच द बेस ऑफ दिस पीक, यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर टैंक्स है, और यहाँ पे मेटल का केज लगा के इसे बंद किया है, और बारिश में ये क्लिफ से जो भी पानी आता है सीधा का सीधा ये वाटर टैंक्स में स्टोर हो जाता है, और वहाँ पे एक केव है बैक साइड पे, और काफ़ी सारे वाटर टैंक्स है गाइज. बट एक चीज़ गाइज बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग के पास पानी नहीं है, और हम लोग पानी पियेंगे वाटर टैंक्स में से, बट लोग आते हैं, यू कैन सी, ओ देखो हाइड एंड सीक का वेपर, वहाँ पे एक बिस्किट का वेपर है, किसने कैप फेंका है क्यों, मतलब समझ में नहीं आता गाइज. यहाँ इतने ऊपर आना, इतने मेहनत करके आना, और वाटर टैंक्स में कचरा फेंकना, वो भी प्लास्टिक, क्यों, क्या मिलता है, तुम क्लीन तो कर नहीं सकते, एटलीस्ट ख़राब तो मत करो. सो यहाँ पे एक बड़ा सा वाटर टैंक है जिसके ऊपर मेटल का रेलिंग लगाया नहीं है, एंड वी कैन गो हियर दिस साइड एंड वी कैन गेट सम वाटर, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिख रहा है. गाइस अभी शूज़ तो निकाल दिए मैंने ताकि पानी गंदा ना हो, एंड आई एम गोइंग डाउन टू फिल माई वाटर बॉटल. ये जो बड़ा सा रॉक है उसके सब साइड पे ऐसे ऐसे वाटर टैंक्स बना के रखे. कोथलीगढ़ गया था वहाँ पे भी सेम था, ये ऐसे बनाया ताकि क्लिफ के ऊपर से जो भी पानी आता है सीधा का सीधा इस वाटर टैंक्स के अंदर सेव हो जाएगा और फ्यूचर के लिए काम आएगा. भाई जब भी मैं पेंट जाता था मेरे दोस्त के फार्म हाउस पे, तो ये हाईवे से हम लोग जाते थे, सो हमेशा मेरे को ख्याल आता था कि ये जो माउंटेन है करनाला फोर्ट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता था, और हाईवे से उसका व्यू मतलब ऐसा फोर्ट और पूरा ऐसा फनल जैसा एक रॉक है गाइज, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था. सो मैं सोच रहा था कभी ना कभी तो ये फोर्ट पे जाऊंगा, एंड फाइनली आई एम हियर टुडे. सो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, एंड एक बकेट लिस्ट में से एक फोर्ट कैंसिल हो चुका है.
और सामने गाइस गोप्रो की व्यू से तो दिखेगा नहीं, बट सामने आप देखोगे तो पूरा अरेबियन सी दिख रहा है यहाँ से ये टावर के ऊपर से, तो काफ़ी अच्छा व्यू होता रहेगा वो अरेबियन सी का। सो दिस फोर्ट वॉज यूज एज अ वॉच टावर बिकॉज ऑफ दिस क्लिफ, और क्लियर दिख रहा है गाइस अभी मेरे आँखों से भी दिख रहा है मुझे अरेबियन सी पूरा का पूरा समुंदर। सो गोप्रो की व्यू में तो सर ठीक से दिख रहा नहीं है। सो गाइज नाउ वी हैव स्टार्टेड डिसेंडिंग द फोर्ट। बिगनर ट्रेकर्स के लिए ये परफेक्ट फोर्ट है गाइज, क्योंकि ट्रैवलिंग भी काफ़ी आसान है, मुंबई से पनवेल से बस आना है यहाँ पे और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना है, और क्लाइंबिंग भी थोड़ा टफ है गाइज बट डिफ़िकल्ट पैच नहीं है, मतलब कुछ रिस्क नहीं है गिरने या फिर ऐसे कुछ करने की। बस फोर्ट में आने के बाद 2-3 पैच है जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है, बट उसे भी रेलिंग लगा के सेव कर दिया है गाइज। सो फॉर बिगनर ट्रेकर्स दिस इज़ द परफेक्ट फोर्ट, जस्ट प्रॉपर इक्विपमेंट्स, काफ़ी सारा पानी और काफ़ी सारा खाने के लिए लेके आना गाइज, देन यू आर ऑल गुड टू गो। सो गाइज होप यू हैव एन्जॉयड माई वीडियो एंड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई रहेगी करनाला फोर्ट के बारे में। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लेना गाइज, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट्स हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।